जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग निधि वन में है, तो आप देख सकते हैं यही वो भगवान श्री कृष्ण का जो पावन जगह है, जहाँ पे उन्होंने रास रचाया था, ये वही जगह है, वही पावन भूमि है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण यहीं पे रास रचाया करते थे, और ये भी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे रास रचाया करते हैं। इसीलिए कोई भी इंसान यहाँ पे रात के वक्त आ ही नहीं पाता, यहाँ पे आना वर्जित है। यहाँ की मान्यता है कि रात में अगर कोई यहाँ रुक गया तो वो सुबह का दिन देख नहीं पाता है, नहीं पता उनके साथ होता क्या है, क्या सच्चाई है, यहाँ के लोगों की यही मान्यता है। तो हम लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं और हमें भी कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो तो मुझे हमेशा ही इस जगह पे आने के बाद महसूस होता रहा है, और निधि वन में भी आकर मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जितने सारे पेड़ पौधे हैं वही गोपियाँ हैं, वही अपना रूप बदल कर पेड़ बनकर यहाँ पे मौजूद रहती है, और यही रात में गोपी बन जाती है और यहाँ पे रास लीला करती है। इसी निधि वन में कितनी सारी यादें, कितनी सारी कहानियाँ, कितने सारे पल और कितने सारे युग बीत चुके हैं। इसी निधि वन ने कभी कृष्ण की रासलीला देखी, कभी कृष्ण की होली देखी, और कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं ये निधि वन ने देखी है, और यहाँ के पेड़ पौधे जो आज भी वैसे के वैसे ही सक्रिय हैं। आप कभी भी निधि बनाए तो आपको ऐसा लगेगा मानो जैसे हम लोग टीवी सीरियलों में, पिक्चरों में, कहानियों में जैसे हम लोग रासलीला के बारे में सुने थे, वैसे के वैसे मानो सत्य है। वो सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने आकृति के रूप में नज़र आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण की जो शक्ति है, जो प्रेम है, वो हर कण कण में व्याप्त शक्ति है। तो आपको यहाँ पे राधा कृष्ण का प्रेम तो अवश्य महसूस होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने नंदगांव में, तो अभी आपको नंदगांव के दर्शन कराएंगे। तो चलिए आप लोग पावन सरोवर में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नंदगांव की परिक्रमा करने के लिए, और ये भगत जी के साथ जा रहे हैं, ये आज हम लोगों को नंदगांव की परिक्रमा करवाएंगे और अच्छे से घुमाएंगे। तो आप भी चलिए और आप भी दर्शन करिए हमारे साथ। अभी हम लोग पावन सरोवर पे हैं, आप देख सकते हैं, और हमारे साथ भगत जी है जो यहाँ के निवासी है। तो आइए उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में और यहाँ की क्या मान्यता है उसके बारे में। भगत जी बताइए, यहाँ पे कृष्ण जी की क्या लीला है? यहाँ पर कृष्ण जी ने बचपन में क्या किया था? वो नंद की लाला जय। देखो भगवान कृष्ण तो रहते थे गोकुल में। अच्छा। गोकुल में रहते थे तो नंद बाबा के पुत्र थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने वहाँ पे अवतार धारण किया, तो कृष्ण को बड़ी कुदृष्टि से देखता था कंस, कहता था कि जो कृष्ण मेरा वो है वध करेगा एक दिन। तो नंद बाबा को बड़ी परेशानी होने लगी, तो नंद बाबा ने कहा कि मुझे अब ये गोकुल छोड़ देना चाहिए, गोकुल को छोड़ दूंगा तो मैं फायदे में रहूँगा। तो वसुदेव ने कहा कि ऐसा करे तो नंद बाबा तुम चले जाओ, एक पश्चिम में एक पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है नंद पर्वत, और उस पर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे शांडिल मुनि का श्राप है, जो कोई भी राक्षस जाएगा वहाँ पे और वो पत्थर का हो जाएगा, और तुम्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा और आप सेफ्टी से रह पाओगे वहाँ पर। तो फिर नंद बाबा ने रातों रात आ करके ये नंदगांव बसा लिया। तो फिर भगवान ने यहाँ पे हमारे नंदगांव में बहुत लीलाएँ की, तो फलाने माने तीर कदम पर भगवान गाय चराते थे,
आशीश्वर पर भगवान महादेव जी रहते थे, यशोदा कुंड पर यशोदा मैया पानी भरने जाती थी और पंजारी कुंड पर गोपियाँ पानी भरने जाती थी और भगवान वहीं का पानी पीते थे। तो हम यहाँ खड़े हैं, यह पावन सरोवर। इसकी लीला ये है कि एक बार नंद बाबा ने कहा कि मैं प्रयागराज नहाने जाता हूँ क्योंकि प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है बाबा, आप प्रयागराज नहा के आ जाओ। तो वो क्या देखते हैं, दूसरे दिन जब वो 4 बजे जग करके अपने दिशा मैदान के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे काला भूत 10-12 फुट लंबा भूत जैसा पुरुष और हरे कृष्ण ऐसे कैसे कहते और वो स्नान कर रहा था। तो उन्होंने कहा भैया तू कौन है? भगवान की बोल भाई मैं तो प्रयागराज हूँ। तू प्रयागराज हो? बोल कैसे? बोल मेरे में जो पाप नहा करके जो पापों को छोड़ जाता है ना, तो ये तुम्हारे ये पावन सरोवर है, मैं इसमें उन पापों को छोड़ जाता हूँ। अच्छा, बोल क्यों? क्योंकि ये कृष्ण है ना, ये स्वयं भगवान को अवतार है और बाकी और भगवान कृष्ण रोजाना यहाँ गाने चलाने आते हैं तो उनको स्पर्श हो या पुण्य थे। और तो ये जो पावन सरोवर है, परम पावन, मतलब गंगा से भी बड़ा तीर्थ हो गया है, मतलब तीर्थों का राजा मैं हूँ, परंतु मेरा भी जो पवित्र करने वाला है ये पावन सरोवर है। तो फिर नंद बाबा ने कहा कि और इधर 2-3 बच्चियाँ अभी ऐसे टहल रही थी तो उन्होंने कहा बेटी तुम कौन हो? तो किसी ने अपना नाम गंगा, किसी ने यमुना, किसी ने सरस्वती, किसी ने कावेरी, किसी ने नर्मदा, तो नर्मदा बताया। तो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ और तीर्थ थे वो सब यहाँ पे स्नान करने आए। और तब नंद बाबा ने कहा कि मैं अब तीर्थ करने नहीं जाऊँगा, जब तीर्थों के राजा और हमारी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सभी नदियाँ जब यहीं आ रही हैं तो मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर नंद बाबा कहीं भी तीर्थ करने नहीं गए और इसी में रोजाना स्नान करते थे, इसीलिए इसका नाम पावन सरोवर पड़ा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कोई इसके ऊपर पक्षी भी ऊपर दौड़ करके जाता है वो भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है, इसका आचमन करने से ही और इसके दर्शन करने से ही जीव पाप मुक्त हो जाता है, अलबत्ता वो आगे फिर कोई पाप ना करे। बोल नंद की लाला की जय, पावन सरोवर की जय।